Hey guys, welcome back to our new vlog. तो guys, hope करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे. तो guys, आज की शुरुआत करते हैं हम एक विली के साथ व्लॉग की. होप करते हैं विली बहुत बेस्ट नहीं आई, पर कोई दिक्कत नहीं. तो guys, अभी चलते हैं हरबतपुर एंड अयान हमारा वेट कर रहा है. पहले अयान के पास पहुँचते हैं, देन आप लोगों को प्रॉपर बताऊँगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आज हमारा घोड़ा दौड़ेगा किसी और घोड़े के साथ एंड अपने से ज़्यादा सीसी वाले सेगमेंट के साथ, और कोशिश करेंगे कि उसको बीट करेंगे. सर सुपर बाइक भी है आपके साथ, तो एक सुपर बाइक कैसे हो सर, क्या हाल है? तो सर आप पे सुपर बाइक है, सर आपने कितने की परचेज करी थी भाई? है सीक्रेट है ये? चलो कैसे हो सर? हम जा रहे कहीं. भाई साहब मुझे नहीं लगता मैं इनसे ड्रैग रेस वगैरह या लॉन्ग रेस में निकल पाऊंगा आगे, बिकॉज बहुत ज्यादा पावर है बाइकों में. राइडर्स सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ठीक है चले. अच्छा आप भी करवा रही क्या? तो फाइनली गाइज हमने फ्यूल वगैरह करवा चुका है एंड अब निकलते हैं बाईपास की तरफ. एंड मेरे को लग रहा था मैं ड्यूक 250 को कंपेयर कर सकता हूँ अपनी NS 200 से, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी, बहुत बड़ी. तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी निकलते हैं हम लोग, एक बार सब लोग फ्यूल व्यूल भरवा दें प्रॉपर. तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं आसन बैराज पर एंड आप लोग लीन चेक कर सकते हो, बहुत तगड़े तगड़े बज रहे हैं. एंड अभी निकलते हैं यहाँ से एंड हमें शिमला बाईपास रोड पे जाना है. जैसा भी सीन होगा आप लोगों को बता देंगे. अयान चल रहा है मेरे आगे, अर्निम चल रहा है मेरे पीछे एंड अर्निम को ओवरटेक मारने देते हैं एंड अर्निम के बाइक के भी शॉट्स लेते हैं कुछ. तो आप लोग आसन बैराज की ब्यूटी एक बार चेक कर सकते हो, कितनी प्यारी लोकेशन है. तो कोई भी बिगनर मेरा ब्लॉग देख रहा होगा जिसको आना होगा आसन बैराज, वो आ सकता है. और रिएक्शन आप लोग चेक कर सकते हो, वाह बहुत क्रेजी रिएक्शन. तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला बाईपास रोड पे एंड अब यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत फन करने वाले हैं. तो रिएक्शन तो इतने तगड़े और क्रेजी आई डोंट नो मिलेंगे नहीं मिलेंगे. चलते हैं थोड़ा यहाँ से आराम से एंड आप लोगों को अपनी मतलब अयान की ड्यूक 250 एंड अपनी NS का थोड़ा बहुत कंपैरिजन दिखाने वाले, जो कि आप लोगों को पता है कि इन दोनों में कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि NS 200cc है वो 250cc है एंड जो बेनेली एम पे वो 300cc है. तो आप लोग चेक कर सकते हो. तो एक काम करेंगे, बेनेली को बोलेंगे ओनली थर्ड या फोर्थ गियर में रहेगी एंड हम दोनों अपनी टॉप गियर में रहेंगे. तो देखते हैं कैसा सीन बैठता है, क्या सीन बैठता है. तो चलते हैं फिलहाल आगे थोड़ी और खाली सी लोकेशन पे, देन उसके बाद सबको शूट करते हैं. फिलहाल मैं चेक करता हूँ वो लोग कहाँ रहेंगे. तो वो आ रहे हैं. तो गाइज आप लोग फ्लाई बाई चेक करना चाहते हो क्या? 3 2 1 इतना क्रेजी नहीं था, इतना क्रेजी नहीं था, मतलब थोड़ा नॉर्मल था, डिसेंट था, बट मस्त था जो भी था. एंड आप लोग चेक कर सकते हो. एंड गाइस हमारा जो शिमला बाईपास रोड है ये, एंड गाइस जो हमारा शिमला बाईपास रोड है ये 4 लेन होने वाला है. तो आप लोग देख रहे हो कितनी तेजी से काम चल रहा है, मतलब जो 2 लेन इधर है 2 लेन ही उस साइड भी होने वाली है यहाँ पे. तो उसके बाद इस रोड पे भगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड काम देख सकते हो आप लोग कितनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है.
एंड अर्ली मोर को रोकते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा सीन चेकआउट करते हैं कि सीन क्या है, कैसा है। तो गाइज बेनेली 300 में जिसको हिडन फीचर नहीं पता आप लोग चेक कर सकते हो, मतलब नेटवर्क्स वगैरह ऑन करने की टेक्निक है भाई की। अब देखना इसकी टॉप स्पीड कैसे जाएगी, है खतरनाक। विली विली चेक करवाता हूँ तुम्हें, विली आराम से आराम। ओ विली चेक करी मेरी जान तुमने। तो गाइज फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि हम ड्रैग रेस वगैरह प्रॉपर वैसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे पीछे से बाइक लेके आएंगे एंड यहाँ पे 70 या फिर 80 की स्पीड में रखेंगे, देन 3 बार अयान हॉर्न ब्लो करेगा, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि मैं टॉप एंड देखना चाह रहा अपनी NS का ज़्यादा है या फिर ड्यूक का ज़्यादा है। बेनेली को हम लोग 4th गियर में रखने वाले हैं, 4th गियर से ऊपर में मना कर देंगे उस भाई को डालने के लिए कि भाई 4th गियर में रखेगा क्योंकि वो 600 cc है, आप लोगों को पता है उसका 300 cc है, 300 cc वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड 2 सिलेंडर बाइक है उसका और इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलो बहुत तगड़ा सीन था भाई। चलो वापस चलते हैं वापस। स्पीड कितनी गई थी तेरी? मेरी 130 गई थी यार। कसम से? हाँ 130 135 से चली गई थी मेरी। मेरी 137 गई थी यार। मेरी तो बहुत तेज आती थी यार। तेरी स्पीड कितनी गई थी अंडी? ओहो ये 130 था जी। तो अंडिम के मीटर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गाइस, जैसा भी सीन था अभी आप लोगों को पता लग गया एंड एक बार और ट्राई करने वाले हम लोग। तो गाइस आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितना प्यारा मौसम है एंड हम लोग राइड पे निकले हैं तीनों के तीनों, अयान में और अंडिम। एंड कल हमारा सैटरडे को कहीं रेणुका जी जाने का प्लान हो रहा है, तो जैसा भी सीन होगा आप लोग चेकआउट करना एंड आप हम लोगों को बताना क्या सीन है क्या नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी ना? हाँ ढालीपुर में रहता हूँ भाई। मेरे को कैसे जानते हो यार भाई? अच्छा आप हरिपुर में रहते हो?